हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडो कनेडियन देसी। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं, मैं कंटेंट शेयर करता हूँ वो इन्फॉर्मेशन जो कि नए इमिग्रेंट्स को जो कनाडा आने का प्लान कर रहे हैं या फिर नए नए कनाडा आए हैं उनको हेल्प कर पाए। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं एंड या फिर आप वापस आए हैं मेरे चैनल पर और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराए, फटाफट से सब्सक्राइब करें ताकि आप अप टू डेट रहें जो भी इंफॉर्मेशन मैं वीकली शेयर करता हूं अपने चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर द लीजिंग रिक्वायरमेंट्स। अगर आप कनाडा आ रहे हैं या फिर आप कनाडा आ चुके हैं और यहां पे आप एक घर को लीज पाने की आप किराए पे उसे लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको जरूरत होती है। अगर आपका लो क्रेडिट स्कोर या फिर लो इनकम है तो ऐसी कौन सी ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप लैंडलॉर्ड को कन्विंस कर सकते हैं कि वो आपकी रेंटल एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं पीछे देख रहा हूँ, हवा बहुत बढ़िया चल रही है तो अंदर मजा नहीं आ रहा है, काम करते हैं, बाहर बैठते हैं और आराम से बाहर बैठ के वीडियो बनाते हैं। चलिए तो आगे हम बाहर, तो अब बात शुरू करते हैं एक एक करके सारे पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको लीज पे अगर आपको कोई घर चाहिए है कनाडा में तो क्या क्या ऑप्शंस होती हैं। पहली ऑप्शन होती है कि या तो आप खुद से लीज करा सकते हैं जिसमें कि आप खुद लैंडलॉर्ड को कॉन्टैक्ट करें या फिर एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के थ्रू आप जाएँ और एक अपार्टमेंट या फिर कॉन्डो लीज पे लें। उसके अलावा ऑप्शन होती है कि आप एक रियल्टर के साथ काम करते हैं। रियल्टर होता है रियल एस्टेट एजेंट, जिसमें यहाँ पे एक रियल्टर आपको सर्विसेज सारी प्रोवाइड करता है। जब आप टेनेंट हैं और आप किसी रियल्टर के साथ काम कर रहे हैं आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। सो इट्स ऑलवेज गुड टू हायर अ रियल्टर बिकॉज दे विल डू द होल वर्क फॉर यू, यू डू नॉट हैव टू पे अ सिंगल पेनी। क्योंकि जो लैंडलॉर्ड होते हैं जो कि अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे लगा रहे हैं उनको रियल्टर को पैसे देने होते हैं। गाइस वापस अंदर आ गया हूं क्योंकि बाहर बहुत शोर आ रहा है। आई होप जो पहले वाली क्लिप्स है उसमें ज्यादा बैकग्राउंड नॉइस ना आए। आई डोंट नो कोई ड्रिलिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है और ट्रेन बीच में एक दो बार निकली है तो मुझे लगा अंदर बैठ के बढ़िया से वीडियो बनाया जाए। तो हाँ जी, तो जहाँ पे हमने छोड़ा था अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो आपसे मांगे जा सकते हैं जब आप लीजिंग एग्रीमेंट साइन करने लगते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट होता है आपकी फुल क्रेडिट रिपोर्ट। जो क्रेडिट स्कोर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए अगर आप कभी सॉफ्ट लैंडिंग कर रहे हैं फिर थोड़े टाइम के लिए कनाडा आ रहे हैं अपना क्रेडिट कार्ड जरूर अप्लाई करें। सो ऑलवेज मेक श्योर टू अप्लाई फॉर अ क्रेडिट कार्ड एंड यूज इट फॉर ट्रांजैक्शंस ताकि आप आपकी क्रेडिट रिपोर्ट और जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो बिल्ड कर पाएं। काफ़ी कंपनीज हैं जिनके थ्रू आप अपना क्रेडिट रिपोर्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विफैक्स जो कि मैंने भी पास में यूज़ करी है काफ़ी वेल नोन है, जहाँ से आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो सबसे ज़्यादा मांगा जाता है वो है आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर, मतलब कि आपका एम्प्लॉयर जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ से आपको एक लेटर चाहिए होता है जिसमें आपका नाम एंड आपकी सैलरी उसमें लिखी होनी चाहिए। उसके अलावा कई लैंडलॉर्ड्स आपसे आपके पे स्टब्स मतलब जो आपके अर्निंग स्टेटमेंट्स होते हैं पास्ट 3-4 महीने के वो भी मांगते हैं देखने के लिए कि आपकी इनकम कितनी है एंड वेदर यू विल बी एबल टू अफोर्ड द रेंटल यूनिट। पर लैंडलॉर्ड्स आपसे पोस्ट डेटेड चेक्स भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं लाइक 10 और 11, ताकि आप वो मेक श्योर करें कि वो एक साल के लिए पूरे कवर्ड हैं इन केस यू आर डिफॉल्टिंग ऑन योर पेमेंट्स। अगर आपके पास चेकबुक नहीं है सो इट्स ऑलवेज गुड टू रिक्वेस्ट योर बैंक फॉर द चेकबुक। आई थिंक मोस्टली बैंक्स में दे रिक्वेस्ट फॉर अ सर्टेन अमाउंट अगर आपको चेकबुक चाहिए, बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव सम चेक्स विद यू कि आपको कहीं पे भी कुछ भी पेमेंट करनी है। तो कई लैंडलॉर्ड्स पुराने आपके जो लैंडलॉर्ड होते हैं जहाँ पे आप रेंट पे रहे हैं वहाँ का रेफरेंस भी मांगते हैं। अगर आप यहीं पे कनाडा में रह रहे हैं एंड आप स्विच कर रहे हैं अपनी रेंटल यूनिट, चलिए आपके पास पुराने लैंडलॉर्ड का रेफरेंस होगा। अगर आप नए नए आ रहे हैं तो लैंडलॉर्ड को समझाइए कि आप नए हैं कंट्री में। कई और रिक्वायरमेंट्स भी लैंडलॉर्ड सकते हैं, जैसे कि आपको टेनेंट इंश्योरेंस चाहिए होती है मूव इन करने से पहले। टेनेंट इंश्योरेंस इज फॉर योर ओन प्रोटेक्शन, आपका जो भी सामान है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, कोई भी डैमेज होता है कुछ भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी ऑफर एक्सेप्ट हो चुकी है एक रेंटल यूनिट पे तो लैंडलॉर्ड्स ये भी रिक्वायरमेंट रखते हैं कि मूव इन से पहले जो भी यूटिलिटीज हैं इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो वो आपके नाम पे ट्रांसफर हो चुकी हो। ऑल्सो टू ऐड, जब भी आप अपनी ऑफर सबमिट करते हैं एंड ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करते हैं द लास्ट कॉल इज मेड बाय द लैंडलॉर्ड कि वो आपकी फाइल को एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं। अब बात करते हैं उन सिनेरियोस की कि अगर जिनका क्रेडिट स्कोर कम है या फिर आपकी इनकम कम है और आप कोई रेंटल यूनिट है जो उसके आप लीज साइन करना चाहते हैं बट आपको लग रहा है कि आपकी प्रोफाइल सिलेक्ट नहीं होगी। सो कुछ रास्ते हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट कराने के लिए। सो द फर्स्ट वे इज गेट अ कोसाइनर हु हैज अ गुड इनकम गुड क्रेडिट स्कोर एंड दे आर विलिंग टू कोसाइन द लीज विद यू। सो उसमें क्या होता है कि जो कोसाइनर है वो आपकी गारंटी ले रहे हैं कि इन केस अगर आप डिफॉल्ट करते हैं अपने मंथली रेंट पे सो दे विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ इट, दे विल बी एबल टू पे दैट रेंट।
सो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आ जाती है। उसके बाद कई केसेस में अगर लैंडलॉर्ड कन्विंस नहीं हो रहा है तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं कि आप फर्स्ट मंथ एंड लास्ट मंथ तो दे ही रहे हैं, उसके अलावा आप लास्ट के 2 months या 3 months भी दे सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट कि आप कितना स्पेंड करना चाहते हैं, बट इस तरीके से भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं। अगर आपने अच्छी खासी अपने बैंक अकाउंट में सेविंग करी हुई है तो आप ये इन्फॉर्मेशन भी लैंडलॉर्ड और लिस्टिंग एजेंट जो भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, सो इट विल हेल्प कन्विंस देम, गॉड फॉरबिड समथिंग बैड हैपेंस टू योर जॉब, यू विल स्टिल बी एबल टू पे योर मंथली रेंट। एंड उसके बाद लास्ट ऑप्शन होगी टू ऐड समवन टू योर लीज, कि अगर कोई फ्रेंड आपके साथ तैयार हो जाता है मूव करने के लिए, कि अगर यूनिट बहुत एक्सपेंसिव है उस वजह से आपके क्रेडिट स्कोर एंड इनकम की वजह से आपकी प्रोफाइल गो थ्रू नहीं कर रही है जो आपने ऑफर सबमिट करी है, सो इट्स ऑलवेज गुड टू ऐड समवन टू योर लीज सो दैट यू बोथ कैन मूव इन एंड जो रिस्क है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी स्प्लिट हो जाती है। चलिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। नाउ लेट्स डू द यूजुअल ड्रिल। मैंने अपना काम कर दिया है, मैं याद करा रहा हूँ आपको आपका काम, विच इज टू गिव मी अ थम्स अप, लीव अ कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो प्लीज बेल आइकन पे जरूर क्लिक करेगा, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी। So that's it for today. I'll be back later with another video. For now, signing out, Indo Canadian Desi.